नमस्कार दोस्तों दोस्तों ऑटोमोबाइल न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिग्गज कार निर्माता कंपनी स्कोडा के बारे में। जी हां दोस्तों दिग्गज कार निर्माता कंपनी स्कोडा ने अपनी स्कोडा एक्टिविया के CNG वेरिएंट में लाने की तैयारी की है। दोस्तों स्कोडा ने अपनी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली एक्टिविया GTEC को पेश कर दिया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस गाड़ी का परफॉर्मेंस, इस गाड़ी की इंजन ताकत, इस गाड़ी का माइलेज पेट्रोल में कितना होगा और CNG में कितना होगा, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर दिए दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों दिग्गज कार निर्माता स्कोडा ने अपनी स्कोडा एक्टिविया CNG वेरियंट से पर्दा हटा दिया है। स्कोडा ने अपनी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली एक्टिविया GTEC को पेश कर दिया है। दोस्तों नई स्कोडा एक्टिविया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर चलती है। इसके पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कोडा एक्टिविया GTEC में ताकत के लिए 1.5 PSI इंजन दिया गया है। इसका इंजन 96 PS की पावर जनरेट करता है। दोस्तों स्कोडा इस गाड़ी में खास बात यह है कि एक्टिविया GTEC पेट्रोल और CNG दोनों पर चलती है। इसकी माइलेज की बात करें तो स्कोडा का दावा है कि इसकी स्कोडा एक्टिविया GTEC एक बार फुल टंकी करने पर ही बिना रुके 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। दोस्तों स्कोडा एक्टिविया GTEC में आपको लगभग 455 लीटर का बूट स्पेस भी मिलेगा। वही इसकी कॉम्बी बूट की क्षमता की बात करें तो लगभग 495 लीटर इसकी बूट स्पेस की क्षमता है। दोस्तों इस कार की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिना ड्राइवर के हस्तक्षेप के CNG और पेट्रोल मोड ऑटोमेटिक बदला जाता है। दोस्तों एक्टिविया GTEC CNG मोड में WLTP चक्र में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 3.4 से 3.6 किलोग्राम की गैस की खपत होती है। वही बात करें पेट्रोल मोड की तो इसमें लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग 4.61 लीटर पेट्रोल का खर्चा होता है। तो दोस्तों ये बेहतरीन माइलेज स्कोडा का है। दोस्तों फुल टंकी करने पर 500 किलोमीटर तक का सफर देने वाली एक्टिविया GTEC इको फ्रेंडली कार है। पेट्रोल इंजन के मुकाबले इसका CNG मोड 25% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो पेट्रोल मोड के मुकाबले इसका CNG मोड पर्यावरण के लिए 25 गुना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों हालांकि इसकी कीमत क्या होगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा ये भारत में भी कब लॉन्च होंगे इसके बारे में भी कंपनी ने अभी तक कुछ बातें नहीं शेयर की है। ऐसे में आने वाले समय में कंपनी इसके दूसरे फीचर्स और लॉन्च को लेकर जल्दी घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों स्कोडा की इस बेहतरीन कार के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।